अभी आप लोग को अगर उसका नाम सुनिए अपना मुंह से बोलेगा, नाम बताओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहाँ से आए हो? बनारस से। तुम्हारा बाप का नाम क्या है? बाप का नाम क्या है? तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारा अली खान है ना? पिताजी का नाम क्या है? जल्दी बताओ। मोहम्मद खान। ये मोहम्मद खान का लड़का अली खान, इसका घर बनारस यूपी से आया है और ये साधु बन के, साधु का चोला आपको दिखा रहे हैं, ये जो त्रिशूल देख रहे हैं, ये त्रिशूल को पकड़ा हुआ है, त्रिशूल में डमरू बांधा हुआ है और इसको लेके ये घूम रहा है। इसको अभी सेक्टर 18 में हम जा रहे थे रास्ता में, इसको हम पकड़े। इसको जब पूछा गया कि वेद कितना है, धर्म क्या है हम लोग का, फिर जात क्या है, तो गीता का अध्ययन किया है कि नहीं किया है, तो ये जब कुछ नहीं बता पाया, जब से बात हुआ तब इलाज से बोलता है कि मेरे को माफ कर दो और मैं माफी मांगने लग गया। कहा है मैं ये बोलता हूँ मुसलमान है और हम अपना पेट के लिए गुजारा कर रहे हैं। जब तुमको पेट के लिए गुजारा कर रहा है तो फकीर बन जा। तू अपना हम लोग का धर्म हिंदू धर्म को मान क्यों किया जा रहा है और हमारा समाज चुपचाप कब तक दिखता रहेगा? ऐसा ये लोग का चलते हम लोग का धर्म को बदनाम कर रहा है, साधु संत बदनाम हो रहा है और हम लोग का हिंदू लोग जो सेकुलर हिंदू है वो खास कर सुने कि आप लोग का चलते ये सबको बढ़ावा मिल रहा है। आप लोग मुंह बंद रखे हैं, अगर आप लोगों के सामने ये हरकत होगा तो आप लोग जानने तो बोलेंगे, लेकिन ये छोटा मोटा जो चीज हो रहा है ये बहुत बड़ा हो रहा है भारत में, इसी की वजह से हम लोग का अपमानित किया जा रहा है। लेकिन आप लोग इसको अच्छा समझे, ये अली खान, लेकिन तो फेस पोशाक देखिए, ये रुद्राक्ष पहना हुआ है, ये मैंने बाबा को बदनाम करने के लिए देखिए ये चिलम का छाप रखा हुआ है कि मैंने हर बाबा नशा करता है का, और उसके बाद आप देखिए क्या क्या पहना है देखिए, और ये त्रिशूल इसका हाथ हमेशा रहता है। अभी आपको इधर दिखाई आपको दिखाते हैं।